30 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे मन की बात, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम करेंगे राष्ट्रपिता को याद। आज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, पीएम मोदी ने ट्वीट कर पराक्रम दिवस पर बोस को श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीर साझा की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं ने मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज पूर्व शिवसेना प्रमुख बाला साहब की भी जयंती है, मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने शिवाजी पार्क में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, नेताजी की 125वीं जयंती पर आज शाम 6 बजे होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे पीएम मोदी, बाद में भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद में प्रचार अभियान, घर घर जाकर मांगेंगे वोट, पार्टी कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए दोपहर 3 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी अब तक 194 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दोपहर 2 बजे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेंगे, कैप्टन खुद पटियाला से लड़ेंगे चुनाव। यूपी में टीईटी की परीक्षा शुरू, नवंबर में पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गई थी परीक्षा, सेंटरों पर प्रशासन के कड़े इंतजाम, कोरोना पॉजिटिव छात्र भी परीक्षा में ले रहे हैं हिस्सा। देश में फिर कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, 24 घंटे में 3,35,533 नए मरीज, 488 लोगों की जान गई, ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की तादाद 10,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के नए केस गिरने के बावजूद मौत का कहर जारी, 5 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 45 लोगों की कोरोना से मौत, पिछले एक हफ्ते में 251 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 48,000 से ज्यादा नए मामले, 52 लोगों की मौत, मुंबई में 24 घंटे में 3,568 नए मरीजों की पुष्टि, 10 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमित लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार, लेकिन अभी एक और हफ्ते तक अस्पताल में रहेंगी, मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में है भर्ती। मुंबई में कल से प्री प्राइमरी स्कूल भी खुलेंगे, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क लगाना जरूरी नहीं, स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की पूरी तैयारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार का फैसला, 30 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, बच्चों के ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। कोरोना के चलते तमिलनाडु का बड़ा फैसला, बढ़ते कोरोना की वजह से आज पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 32 साल का रिकॉर्ड, 70 मिलीमीटर हुई बारिश, मौसम विभाग की आज भी बारिश की चेतावनी, कल से गिरेगा पारा। हिमाचल के धर्मशाला में बारिश के बाद कोहरे और सर्द हवाओं का कहर जारी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। यूपी के कानपुर में सर्द हवाओं का सितम, ठंड और कोहरे से आम लोगों को हो रही है दिक्कतें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी के साथ बारिश से पड़ रही है कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग की चेतावनी, 22, 23 और 24 जनवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात का अनुमान। हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी, शिमला में सीजन का तीसरा हिमपात, 2 एनएच और 147 सड़कें बंद, पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 53 उम्मीदवारों की पहली सूची, जारी की गई सूची में केवल 3 महिलाओं के नाम, पहली सूची में हरीश रावत का नाम नहीं। चुनाव आयोग ने रैली रोड शो पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ाई, अब डोर टू डोर कैंपेन में 5 की जगह 10 लोग हो सकते हैं शामिल, ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों की सभा की इजाजत। चुनाव आयोग की यूपी में अफसरों पर सख्ती, कानपुर नगर, बरेली और फिरोजाबाद के जिलाधिकारियों को हटाया गया, फिरोजाबाद और कौशाम्बी के एसपी भी हटाए गए। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में यूपी में हफ्ते भर में बीजेपी का वोट शेयर 1% बढ़ा, समाजवादी पार्टी का 1% घटा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन पश्चिमी यूपी, बिजनौर और अमरोहा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर दिया जीत का मंत्र।
यूपी के कैराना में गृहमंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर किया प्रचार, पलायन के बाद लौटे लोगों से मुलाकात। योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। यूपी के सीएम योगी का बुलंदशहर में बीजेपी संवाद कार्यक्रम, प्रचार के दौरान बच्चे को गोद में उठाया, एसपी पर साधा निशाना, कहा दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं अखिलेश। पेशेवर दंगाई, पेशेवर अपराधी, पेशेवर हिस्ट्री शीटर, ये समाजवादी पार्टी की सोच के अनुरूप समाजवादी पार्टी की सूची की शोभा को भी बढ़ा रहे हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों में प्रचार के लिए निकले बीजेपी के रथ, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। हमने जो कहा सो करके दिखाया, हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टिकरण के लिए कोई जगह नहीं, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव, एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर, पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने किया ऐलान। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव की सीट का ऐलान, इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे शिवपाल। युवाओं के लिए अखिलेश यादव का बड़ा दांव, कहा सरकार बनी तो आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, यूपी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। मायावती ने जारी की बीएसपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, दूसरे चरण के चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों का ऐलान, जीत के लिए दिया नया नारा। अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ जो इस प्रकार से है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।